नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सपा सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तक के खिलाफ थी, इसलिए मैं कहता हूं जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में एक मजबूत और दमदार सरकार देगी। अमित शाह का बयान, उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बना दीजिए, 5 साल किसी किसान को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने एक जनसभा में आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा की सरकार में पिछड़ों और दलितों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी, बाढ़ प्रबंधन, नदियों की कटाव पर चिंता जताई। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, गाड़ी खाई में गिरने से 14 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए, वहीं 235 लोगों की मौत हुई। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का बयान, युद्ध समस्या का हल नहीं, बातचीत से सुलझाए मसला। भारतीय नागरिक अपने दूतावास के संपर्क में रहे, रूस यूक्रेन तनाव पर बोली विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।